देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी यानी मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे पॉपुलर कार यानी स्विफ्ट को एक नए लुक के साथ फिर से धमाल मचाने के लिए भारत में लॉन्च करने का फैसला ले लिया है। जी हाँ, मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा लंबे समय से चलती आ रही खबर यानी नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट को पूर्ण रूप से काफी इंतजार किया गया है। साथ ही साथ इस कार को अब एक नए अवतार के साथ भारत में लाने की तैयारी पूर्ण रूप से फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। कुछ डीलरशिप के द्वारा तो इस कार की प्री बुकिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो अगर दोस्तों अभी तक आप सभी को नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट के स्पेसिफिकेशन और हर चीज वो डिटेल के बारे में जो कि आप सभी को इस कार को लेने में काफी मददगार होने वाली है। और साथ ही साथ बताएगी कि इस कार को किस तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से बुक कर सकते हैं। तो सस्ती और बेहतरीन लुक की वजह से ये कार बीते दो दशकों से देश में लोगों की मन पसंदीदा कार बनी हुई। स्विफ्ट की इसी लोकप्रियता को बनाने के लिए अब कंपनी इसके फोर्थ जनरेशन मॉडल को उतारने की नए अवतार में तैयारी भारत में कर चुकी है। हाल ही में इसके ग्लोबल लॉन्च से पहले ही जापान में इस जबरदस्त नेक्स्ट जनरेशन फोर्थ मॉडल को लॉन्च भी किया जा चुका है, जो कि इस वीडियो के दौरान देख सकते हैं कि जापान में लॉन्च हुई स्विफ्ट कितनी जबरदस्त नए लुक के साथ आप सभी को दिखाई दे रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कार एक आकर्षक डिजाइन के साथ ही साथ जबरदस्त स्पेसिफिकेशंस फीचर्स के साथ भारत में दस्तक देने वाली है, जिसमें कार के नए डिजाइन की जानकारी पूर्ण रूप से हाथ आ चुकी है। 2022 सुजुकी स्विफ्ट को पूर्ण रूप से अगले महीने तक फाइनली लॉन्च किया जाना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दिया जाए कि नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट को 5 सीटर सीट कैपेसिटी ऑप्शन के साथ लाया जा रहा है, यानी पहले के मुकाबले अब इस कार के बॉडी को पूर्ण रूप से बड़ा और बेहतरीन डिजाइन दिया गया है और 5 लोग आसानी से इस कार में बैठ के सफर कर सकते हैं। इसमें पीछे की तरफ लगाए गए डोर को एक अनोखे तरीके से ही तैयार किया गया है, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज आखिर खास होने वाली, जो देखने में काफी आकर्षक ग्राहकों को लग रहे हैं और पूर्ण रूप से शायद आप सभी को ये कार अपना दीवाना भी बना ले। एक्सटीरियर की पूर्ण रूप से बात करी जाए तो आखिरकार भार के हिस्से में क्या बदलाव हमें पुराने मॉडल की तुलना में दिखाई देता है, तो सबसे बड़ा बदलाव तो इस कार के फ्रंट ग्रिल और लाइटों में ही आप सभी को दिखाई दे जाएगा। जी हाँ, यानी नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट की पूर्ण रूप से अपडेटेड लाइटिंग यानी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ डे टाइम रनिंग लाइट्स का कॉम्बिनेशन सेटअप आप सभी को स्लिक लाइट द्वारा डिजाइन करा हुआ दिखाई देता है, यानी पतली लाइन क्रीज के साथ ये आप सभी को हैरियर की याद दिलाने वाली है। साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल लाइनअप से अपडेटेड मोटी पतली अपडेट ग्रिल के साथ ये कार दिखाई देती है, जो कि एक अलग ही इस कार को स्पोर्टी लुक प्रदान कर रही है, जिसमें क्रोम का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। बीच में आप सभी को ब्रांड न्यू सुजुकी का लोगो दिखाई देता है, जो कि इस कार को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। बम्पर की पूर्ण रूप से बात करी जाए तो बम्पर को भी वाकई में ही स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है। मार्केट में स्विफ्ट को सिर्फ स्पोर्ट्स वेरिएंट के तौर पे भी अपडेट किया गया है, जो कि स्पोर्टी वेरिएंट के साथ भारत में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के द्वारा करके लाई गई है। साथ ही साथ बता दूं कि इस कार के साइड प्रोफाइल में आप सभी को 16 इंच के डायमंड कट डुअल टोन कलर ऑप्शंस के साथ कंपनी फिटेड स्टेनलेस स्टील के अलॉय व्हील्स मिलने वाले है, यानी बाहर से अलॉय व्हील लगवाने की छुट्टी पूर्ण रूप से हो चुकी है। न्यू हैंडल बार एम्बिएंट लाइटिंग जैसे अपडेटेड इस कार को जबरदस्त डिजाइन देते हैं। साथ ही साथ सबसे खास बात, दोनों ही मिरर्स के अलावा उनको हटाते हुए अब इस कार में एक्शन कैमरे का प्रयोग किया गया है, यानी अब दोनों साइड आप सभी को मिरर नहीं बल्कि एक्शन कैमरे देखने को मिलने वाले है, जो की आस पास के शॉट्स को लेकर आप सभी इंफोटेनमेंट सिस्टम तक पहुंचाएगी और एक बेहतरीन व्यू चुनने का मौका आप सभी को देने वाले। नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट ग्लोबल मार्केट में पहुंचने से पहले ही जापान में बिकने के लिए उपलब्ध करवा दी गई है। जी हाँ, भारतीय बाजार में स्विफ्ट मारुति सुजुकी की एक पॉपुलर कार होने की वजह से ही उम्मीदें की जा रही है कि इस जबरदस्त कार को 28 फरवरी को फाइनली भारत में भी लॉन्च किया जाए। जापान में इस कार के नए वेरिएंट को फाइनली अब लॉन्च किया जा चुका है, जिसकी वीडियो टीजर को आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, यानी अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट इसी लुक के साथ भारत में दिखाई देने वाली है। मगर फीचर्स में कुछ फेरबदल आप सभी दिखाई दे। इंटीरियर की बात करी जाए तो भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा ग्राहकों को क्रेज इंटीरियर का भी होता है। जी हाँ, एक प्रीमियम इंटीरियर वाली कार ही आजकल हर कोई अपने लिए चाहता है और माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में तो भारत में ही धूम मचा दिया। इतने कम प्राइस के अंदर आप सभी को एसयूवी कार लेने का मौका हर कंपनियां दे रही है, मगर नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट आज भी अपने वही हैचबैक स्टाइल के साथ नए लुक को संचालित करते हुए भारत में एंट्री लेने वाली है, जिसमें आप सभी को एक साधारण नहीं यानी पुराने मॉडल से भी
जबरदस्त प्रीमियम इंटीरियर दिखाई देने वाला। कार के डैशबोर्ड को ही ले लो तो इस कार में अब आप सभी को डैशबोर्ड पे ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ सिल्वर अपहोल्ड फिन लेदर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि डैशबोर्ड को पूरा लेदर से ढका गया है। सेंटर कंसोल में आप सभी को 8 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट ऑप्शन, जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, यूवीआई कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम ऐसे एडवांस फीचर्स से लैस किया गया है। दोनों ही साइड आप सभी को ऑटोमेटिक एसी वेंट्स 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन एयर कंडीशन ऑप्शन भी दिखाई देता है। कार में आप सभी को वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिलती है, यानी फोन को रख के डैशबोर्ड पे पूर्ण रूप से चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ बॉसी के 5 साउंड स्पीकर ऑप्शन मीडियाटेक द्वारा संचालित करते हुए राइड को और भी ज्यादा मनोरंजन आप सभी की बनाने वाले। कुल मिलाकर कहीं तो इंटीरियर में आप सभी को काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस कार में आप सभी को बेहतरीन इंटीरियर पुराने मॉडल की तुलना में भी दिखाई देता है। सीटों की बात कर ली जाए तो सीटों में आखिरकार कितना कम्फर्ट आप सभी को देखने को मिलता है, तो पुराने मॉडल की तुलना से नेक्स्ट जनरेशन शिफ्ट की हाईटेक अपडेट सीटों को 360 डिग्री अपडेट के साथ डिजाइन किया गया है। यानी 360 तक अपहोल्ड सीट्स को फोल्ड किया जा सकता है, फोल्ड करके भी इस कार में बूट स्पेस को मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ सीट को सीधा ही बाहर निकाल के भी रख सकते हैं। डिपेंड आप पे कि इस कार को 4 सीटर या फिर 2 सीटर मोड ऑप्शन में भी तब्दील कर सकते हैं, यानी स्पेस की कोई कमी होनी नहीं वाली है। कम्फर्ट के मामले में फिन लेदर का इस्तेमाल इस कार की सीटों में किया है, जो कि कम्फर्ट के तौर पर काफी जबरदस्त भारत में मानी जाती है। हर महंगी महंगी कारों में इसी लेदर की अपडेट सीटें देखने को मिलती है, जो कि कम्फर्ट के बाद आप सभी को एक बेहतर राइट लंबी प्रदान करती है। पूर्ण रूप से कहें तो हर चीज में नेक्स्ट जनरेशन शिफ्ट पूर्ण अपडेट तौर पे 90 में से 90 के अंक में देती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए तो ग्लोबल एनसीपी तथा क्रैश टेस्ट मानकों के अपडेट्स के साथ इस कार को पूरे 5 स्टार रेटिंग के साथ सराहा है। जी हाँ, यानी ये सेफ्टी फीचर्स के मामले में पूर्ण रूप से पास हो चुकी है, और कार को हाईटेक प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है, जिसके चलते सोने पे सुहागा यानी 70% तक स्टेनलेस स्टील से बॉडी को तैयार किया गया है, जो कि मजबूती के साथ काफी लाइट वेट प्लेटफॉर्म माना जाता है। साथ ही साथ इस कार में पूरे 5 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा, ईबीडी के साथ एबीएस रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक तथा फ्रंट कैमरे की सुविधा, आईएफएसओ फिक्साई लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, टेक्शन कंट्रोल और दोनों साइड आप सभी को एक्शन कैमरे की भार सुविधा मिलती, जो कि वाकई में ही जबरदस्त सेफ्टी फीचर्स को अपडेट इस कार में किया है, और आप सभी शिफ्ट मार्केट में नंबर 1 पे आ सकती है। कंपैरिजन की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन शिफ्ट को सबसे बड़ी टक्कर टाटा की ऑल्ट्रोस से मिलने वाली है, क्योंकि दोनों ही में आप सभी को एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं, मगर कीमत में दोनों ही में काफी बड़ा अंतर आप सभी को मिलने वाला है। लॉन्चिंग तथा कीमत की बात करी जाए तो नेक्स्ट जनरेशन शिफ्ट की स्टार्टिंग कीमत 4.60 लाख रुपीस से लेकर 8.90 लाख रुपीस तक 4 वेरिएंट यानी 4 विकल्प ऑप्शन के साथ आने वाली है। जापान में इस कार को 2 वेरिएंट ऑप्शन के साथ ही लॉन्च किया गया है। भारत में आने वाला मॉडल सेम डिजाइन के साथ आने की उम्मीदें जताई जा रही है। साथ ही साथ इस कार को दोस्तों फाइनली भारत में फरवरी के एंड तक लॉन्च किया जा सकता है। प्री बुकिंग की बात करें तो जी हाँ, ऑफिशियल मारुति सुजुकी इंडिया की वेबसाइट पे कार की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी घर बैठे आप इस कार को आसानी से बुक कर सकते हैं। बुक करने के बाद आप इस कार को अपने घर पे ले जा भी सकते हैं। जी हाँ, यानी आप बुक करने के लिए कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरीके की इम्पोर्टेंट नई कारों की लॉन्चिंग वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को अपडेट सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।